बेधड़क सड़क क्रॉस हो रही है क्योंकि ये ज़ेबरा क्रॉसिंग है। अचानक कोई आ गया, देखो कितनी दूर रोकी, कहाँ मैं चल रहा हूँ कहाँ रोकी। वो भाई यही चीज़ें बताता हूँ, इज्जत इज्जत जिस दिन फील कर ली ना, मैं चाहता हूँ एक आम पाकिस्तानी ये इज्जत फील करे। लोग हैं नहीं गिनती के, उसके बावजूद इतनी ज्यादा सहूलतें, करना चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। आज ही गुड मॉर्निंग फ्रॉम हेलसिंकी, और आज हम बनाएंगे वॉकिंग टेल्स। हेलसिंकी जो कि फिनलैंड का कैपिटल है, तो ये स्कैंडिक होटल काम्पी एक एरिया है जो कि यहाँ का मेन एरिया है, सदर की तरह समझ लें आप सेंट्रल। ये सामने ई स्कूटर्स खड़ी हैं, ये सामने छोटा सा पार्क है, खुशहाल माहौल, खुशहाल मुल्क और ज़बरदस्त। और ये ख़ासतौर पर ये जो कॉबल स्टोन वाली सड़क है, ये सारी हीटेड है। मेरे होस्ट ने मुझे बताया कि बर्फ़ पड़ती है यहाँ बहुत ज़्यादा, तो ये सड़क गर्म हो जाती है ताकि बर्फ़ पिघल जाए और एक्सीडेंट्स ना। तो भाई फन फैक्ट पहले ही बताती है। तो आइए चलते हैं और फिनलैंड की सैर करते हैं। अच्छा यार, जिस तरह आप ये देख रहे हैं तब तमाम ओल्ड आर्किटेक्चर, वो ऊपर 1898 लिखा हुआ है, यानी ये उस वक्त की बिल्डिंग और अभी तक प्रिजर्व करके रखी है। काम्पी का जो एरिया है ये सारा आपको बिल्कुल गोल्ड स्टाइल का मिलेगा। और एक चीज़ जो मैंने नोट की, भाई यहाँ तो रश ही नहीं है। पूरे फिनलैंड की आबादी 55 लाख है, उसमें से बहुत बड़ी आबादी हेलसिंकी में रहती है, और ये बहुत बड़ी आबादी वाला शहर है। आज जो है सैटरडे का दिन है, सैटरडे को चले ठीक है छुट्टी होती है, कल रात फ्राइडे नाइट थी, वीकेंड था, सन्नाटे, बहुत कम आबादी है, इसलिए अच्छा मैनेज भी हुआ है सफाई सुथरा। कल से जब मेरे होस्ट हैं हुमायूं साहब, कोने दिखा रहे हैं, कोने देखो कितने साफ हैं, जो कि वाकई बहुत साफ है। कम आबादी होती है, इट्स ईजियर टू मैनेज और काम अच्छे हो जाते हैं। तो मुझे एक्सट्रीमली साफ लगा ये मुल्क, और आसमान भी आप देखें कलर ही अलग होता है। जैसे ये बिल्डिंग देखें बड़ी खूबसूरत है। थोड़ा सा आगे जाके वो सामने काम्पी मॉल दिख रहा है, जिसके पीछे रेलवे स्टेशन है, उल्टे हाथ पे पार्लियामेंट हाउस है, और ये सब वॉक डिस्टेंस पे। यहाँ से साइकिलिंग का बड़ा यहाँ रुझान है, जिस तरह नेदरलैंड्स को आप देखते हैं, एम्स्टरडम को तो कहते ही साइकिलों का शहर है, इंसानों से ज़्यादा साइकिलें वहाँ, तो यहाँ पे भी साइकिल्स बहुत नज़र आती। ये जिस वक्त मैं व्लॉग बना रहा हूँ, इस वक्त 22 जुलाई डेट है, और यहाँ अच्छी खासी ठंड है, ये समर है यहाँ का, और ये तो अभी दोपहर का 1 बज रहा है, तो अभी थोड़ा सा मौसम बेहतर नहीं, शाम तक जो है धुएं निकलने शुरू हो जाते हैं, और ये इनका समर है। यहाँ मैं क्या हुआ था, एक टैग एरिया है, लोग कहते हैं उसको, जिस तरह हमारा दो दरिया है उस तरह का सी साइड पे, तो वहाँ पर धुएं निकल रहे थे भाई। दिस इज काम्पी मॉल, और बाहर सारे ब्रांड्स लिखे हुए हैं, मुझी भी है इधर, मुझी एक जैपनीज ब्रांड है, बड़ा खूबसूरत है। स्टेशनरी से लेके बिल्डिंग तक का सामान मिलता है, कभी दुबई मॉल जाना हो तो ज़रूर उनके स्टोर जाइएगा, इतनी नरम चीज़ें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। एनीवे, एंड लाइक एनी अदर यूरोपियन सिटी, ट्राम का सिलसिला, ये टू वे रोड भी है, टू वे ट्राम भी है। ये देखिए ट्राम यहाँ से यू आ रही है, यहाँ से यू जाएगी, इसी पे गाड़ियाँ भी चल रही हैं, वो देखिए पीछे गाड़ियाँ भी आ रही हैं, और दो तरफ की ट्राम्स, ये ट्रैफिक जा रहा है, वो ट्रैफिक आ रहा है, और यहाँ से लेके वो टैक्सी तक का क्या डिस्टेंस है आप खुद बताइए। मैंने इसमें ना जूम इन किया हुआ है ना जूम आउट, इतनी सी सड़क पे दो ट्राम के ट्रैक और दो गाड़ियों के ट्रैक मैनेज हो रहे हैं, और उसके साथ साथ इतनी चौड़ी फुटपाथ चलने के लिए दोनों साइड पे दी हुई है, आप देख रहे हैं, किसी ने कोई कब्जा नहीं किया हुआ, एम्पल स्पेस, साइकिलिंग अलग हो रही है, वो देखें बच्चे को लेके जा रहा है, इतनी छोटी सी जगह पे सब मैनेज हो रहा है, करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, जैसे मैंने कहा था, दो तरफ ट्राम ट्रैफिक, जेर जमीन मेट्रो अलग चल रही है, लोग हैं नहीं गिनती के, उसके बावजूद इतनी ज्यादा सहूलत है कि भाई प्रेफरेंस के हिसाब से हर बंदा गाड़ी नहीं ले सकता, ना हर बंदा गाड़ी लेना चाहता है, तो उनके लिए मेट्रो भी है, ट्राम भी है, कितने ऑप्शन है इस सन्नाटे वाले शहर के लिए। बाय द वे, सन्नाटों का एक रीजन ये भी है कि समर्स है, और फिनिश लोग जो है समर्स मनाने फिर दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, जुलाई में स्कूल की भी छुट्टियां हैं, और टूरिस्ट भी आए हुए हैं यहाँ पे, मगर ज़्यादातर ये फिनिश लोग चले गए हैं। तो यहाँ रश होता है, मगर उसके बावजूद वो कराची वाला, और वो तो ज़ाहिर है 6 गुना ज़्यादा है कराची, पूरे मुल्क से फिनलैंड के आबादी से। बेधड़क सड़क क्रॉस हो रही है क्योंकि ये ज़ेबरा क्रॉसिंग है, अचानक कोई आ गया, देखो कितनी दूर रोकी, कहाँ मैं चल रहा हूँ कहाँ रोकी। वो भाई यही चीज़ें बताता हूँ, इज्जत इज्जत जिस दिन फील कर ली ना, मैं चाहता हूँ एक आम पाकिस्तानी ये इज्जत फील करे कि उसके लिए गाड़ी रुकी। जो प्रोटोकॉल सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को मिलता है, वो जब आम आदमी को मिलेगा तब उसको अपनी अहमियत का अंदाज़ा होगा, मगर लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, और आप अवेयरनेस दो तो गालियाँ खाओ।
अब ये देखो ये बच्चे अकेले घूम रहे हैं, ये स्कूल का ट्रिप है, वो रही पीछे टीचर, ये स्कूल ट्रिप पे निकले हुए और क्वाइट पॉसिबली ये दूसरे मुल्क से आए हो, यहाँ ये चीज़ बहुत कॉमन है। अच्छा ये इनके टीचर लग नहीं रहा शायद हो, एनीवे यहाँ बड़ा कॉमन है कि बच्चे, हम जैसे स्कूल ट्रिप में जाते थे डेयर पेंसिल की फैक्ट्री में, तो यहाँ बच्चे भाई जहाज लेके ट्रेन लेके दूसरे मुल्क चले जाते हैं। एतबार भी है पेरेंट्स को, सेफ्टी सिक्योरिटी भी है, दूसरे मुल्क का एक्सपोजर लेकर आते हैं, उनकी म्यूजियम्स में जाते हैं, लाइब्रेरीज में जाते हैं, समझते हैं दूसरे कल्चर्स को। ये इन्होंने टूर खरीदा हुआ, ये इनको हेलसिंकी का टूर करा रहे हैं। ये जी हेलसिंकी का मेन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से मुलगीर और बैन अलाकवामी ट्रेन भी चलती हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो भी है। कनेक्शन ऐसा है कि आप किसी मुल्क से आए, यहाँ उतरे, यहाँ से उधर गए, मेट्रो में चले गए, मेट्रो से उधर गए ट्राम, मतलब हर चीज़ अवेलेबल है। ये देखो बच्चे कॉन्फिडेंस से साइकिल चला, और एतमादी जो है वो ख़त्म। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बड़ा जोर है यहाँ पे, ज़ाहिर आपको पता है नॉर्डिक कंट्रीज जितने भी हैं वो बहुत ही इको फ्रेंडली लोग हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुझे बहुत दिखी है। मुस्लिम कम्युनिटी भी है यहाँ पे। अच्छा पाकिस्तानी कम्युनिटी की अगर आप बात करें तो तकरीबन 1500 से 2000 पाकिस्तानी यहाँ मुकीम, ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, और जितने वर्किंग प्रोफेशनल के बारे में मुझे मालूम हुआ है, जितनों से मुलाकात हुई है, सारे अपनी अपनी फील्ड में चीते, क्योंकि मुल्क ही ऐसा डिज़ाइन किया है कि यहाँ पे पढ़ा लिखा और काम का आदमी ही आ सकता है, फारिग नहीं आ सकते हैं। अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, कम्युनिटी छोटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, हलाल मीट मिलता है, सुपरमार्केट्स वगैरह भी हैं। अच्छा ये इतना खाली है हेलसिंकी कि ये 24 आवर सुपरमार्केट जो है रिसेंटली इंट्रोड्यूस की हुई है ये, वरना यहाँ अलाउ 6 बजे 7 बजे सब बंद हो जाया करता था। लेकिन अब जैसे कि जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रही है, डिफरेंट कल्चर्स के लोग आ रहे हैं, अपने साथ अपना कल्चर ला रहे हैं, तो सबके लिए देर इज समथिंग। फूड कार्ट्स लगे हुए हैं, कोई गन नहीं है, 4 कुर्सियाँ लगा के टेबल लगा के सब अपना काम कर रहे हैं। उधर वो आंटी कुछ बेच रही हैं, समझ नहीं आया क्या था, या बर्गर्स वगैरह बिक रहे हैं। अब देखें बस टर्मिनल अलग है, ट्रेन अलग है, मेट्रो अलग है। ट्रेन और मेट्रो का फ़र्क समझिए, मेट्रो मेट्रोपोलिटन यानी शहर के अंदर चलने वाले, ट्रेन बैनुलशहरी आप जिसको कह लें, कराची से लाहौर, लाहौर से कोयटा, कोयटा से पेशावर, तो वो ट्रेन उधर है, मेट्रो इसके नीचे है, ऊपर बस सफर। ये देखें भाई ये कोई पॉश रेस्टोरेंट नहीं है, ये रेलवे स्टेशन है, सामने सबवे भी है, खाने पीने का सुपरमार्केट भी है, छोटी सी कैफेटेरिया भी है, यहाँ पे लोग अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा ये कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ चल रही है, मगर नीचे ऑपरेशंस डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। पहले ये लोगों को नेमुल बदल दिया जाता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो पहले नेमुल बदल रास्ता दिया जाता है, मुतबादल रास्ता दिया जाता है, उसके बाद काम शुरू होता है। तो पहले रास्ते का क्लियर किया, ना कोई बजरी, ना कोई सीमेंट, ना कोई सरिया, लेकिन काम हो रहा है। अभी आ गए जी ट्रेन ट्रैक्स, ओपनहाइमर का बोर्ड भी लगा हुआ है। ये जो ट्रेन आ रही हैं अब ऊपर जो हम देख रहे हैं डिफरेंट शहरों के नाम हैं, और ये देखे ना 2:03, तो वो 2:03 में निकल जाएगी, 3:36 मतलब ऑन टाइमिंग है, 5:03 समझ रहे, एक ज़्यादा करीब से देख ले, ये टाइम देख रहे हैं आप कितने ऑड है, 2:03, 3:36, ये इतने पे ही निकलेगी भाई, ना 1 सेकंड ऊपर ना 1 सेकंड नीचे, क्योंकि इसका कनेक्शन है आगे किसी और से, उसने भी टाइम पे निकलना है। पूरा यूरोप जो है टाइम टू टाइम चल रहा है, अब ये लोग दूसरे शहरों से आ रहे हैं, दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं। खैर ये तो मैंने बर्लिन का स्टेशन देखा है, एम्स्टरडम का, वो बहुत बड़े स्टेशन रहे हैं। अगर खाली मिलान का ही स्टेशन देखिए तो उसमें 20 ट्रैक्स चल रहे होते हैं, और वो भाई अलग ही दुनिया, पर सारा स्केड्यूल लगा हुआ है, खाना पीना भी चल रहा है, लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। देखो स्ट्रॉबेरी बेचरी आंटी, स्ट्रॉबेरी का ठेला है, ये या किसी ब्यूरोक्रेट की नवासी भतीजी को ठेला, या कमीशन नहीं दिया गया होगा, या उस पर ठेका नहीं दिया गया होगा, मेरिट पर ठेके मिलते हैं। रेगुलर खवातीन अपनी स्टॉल चला रही होती है, रेगुलर लोग अपने स्टॉल चला रहे होते हैं, ये नहीं कि जी रिश्वत दे के स्टॉल लिया गया है और बस थर्ड क्लास क्वालिटी का बन कबाब बेचो ताकि ट्रेन में जो बैठे वो हकता हुआ ही जाए पूरे ट्रैक में। स्टेशन का मेन हॉल, अब देखिए सामने ही करेंसी एक्सचेंज वाला भी बैठा है, क्योंकि यहाँ दूसरे मुल्कों से लोग आ रहे हैं तो उनको करेंसी चेंज करानी होगी तो उनको दिक्कत ना हो, और ये नहीं है जी एयरपोर्ट का रेट अलग है, ट्रेन स्टेशन का अलग है, बाहर का अलग है, रेट रेट है भाई, एक रेट है, वो सामने चेक करें। ये अंडरग्राउंड मेट्रो से लोग आ रहे हैं, वो देखिए नेम लिखा हुआ है अंडरग्राउंड मेट्रो, शहर के दूसरे इलाकों से आ रहे हैं और यहाँ से ट्रेन लेके दूसरे शहर जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप नेटवर्क को, ये नेटवर्क है। और ये मुझे लग रहा है कोई बार है, रेस्टोरेंट है, चेक करें इसका आर्किटेक्चर, ओ
इसको आप इस तरह समझिए कि माड़ी मलीर कोरंगी से लोग डिफरेंट ट्रेन्स में बैठ के मेट्रो में बैठ के मेन कैंट स्टेशन आ रहे हैं ताकि वो लाहौर गुजरांवाला साहिवाल जा सके। कनेक्शन ये इस तरह जुड़ा हुआ है। अच्छा जी, ये पूरा एक ये होटल है ग्रैंड सेंट्रल, ये यहाँ से तो निकल रहे हैं, ये बस हुए टूरिस्ट आ रहे हैं टूरिस्ट जा रहे हैं, तो ये सीन चाहिए भाई पाकिस्तान में। लपालप बंदा आ रहा है नोट खर्च कर रहा है, ये बस अड्डा है समझ लें आप, वो साथ ही कसिनो भी है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है, वो सामने कसिनो है। ये दो प्रेमी हैं, बहुत ही मज़े की वाइब्रेस, सुकून रोमांस। बाकी यूरोपीय ममालिक की तरह भाई फिनलैंड में भी यही सीन है, कभी भी मौसम बदल जाता है, बारिश शुरू हो जाती है फिर धूप निकल आती है। खैर, ये सामने मौजूद ओडी लाइब्रेरी है बहुत मशहूर लेप्सकी की, और इसको मैं कवर करने जा रहा हूँ। मोस्ट लाइकली इसका अलग ही व्लॉग आएगा क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड होगी। अच्छा जी, लाइब्रेरी का विजिट मैंने कर लिया, बहुत ही खूबसूरत थी, और उसका मैंने सेपरेट व्लॉग बनाया क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल था। या तो आ चुका होगा अब तक, या अगर नहीं आया तो उसका वेट कीजिएगा। यहाँ से अब हम जा रहे हैं सेनेट स्क्वायर की तरफ, जो कि यहाँ का मशहूर स्क्वायर है, हर टाउन में स्क्वायर होता है, तो उसकी तरफ अभी रवा दवा है। मौसम थोड़ा बाइपोलर है, चार बार बारिश हो चुकी है, बारिश होती है हम अंदर हो जाते हैं, ख़त्म होती है बाहर आ जाते हैं, तो यही सिलसिला चल रहा है। और हल्की सी ठंड है बट बेरेबल है, तो मज़े का मौसम है और खूबसूरत दिन। ये देखें फुटपाथ की चौड़ाई देखें, और रोड उससे छोटा है और वहाँ भी कितनी ही फुटपाथ है। प्रायोरिटी पैदल वाले के लिए, गाड़ी के लिए शहर नहीं मानते, इंसानों के लिए रास्ते। अच्छा जी, ये भी एक मेन स्ट्रीट है, रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, मॉल्स हैं, शॉप्स हैं, काफ़ी हैपनिंग एरिया है। हाँ जी, ये मेन टाउन स्क्वायर है हेलसिंकी का, इसको सेनेट स्क्वायर कहा जाता है, और ये मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन, और ये सामने लुथेरियन कैथीड्रल चर्च है जो कि 1830 से 1852 यानी 22 साल के टाइम में बना, और ये ड्यूक ऑफ फिनलैंड ने ये एक टेस्टिमोनी दी थी, टेस्टिमोनियल था निकोलस ज़ार जो कि रशिया का ज़ार था, उसके लिए ये खास बनवाया गया था, तो इसको ट्रिब्यूट बेसिकली दिया गया था। आसपास ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये अगेन काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है, लेकिन उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है कि आज भी अपनी आबोताब से ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मौजूद। तो चलिए अभी कैथीड्रल की तरफ चलते हैं और अंदर से देखते हैं ये किस तरह का बना हुआ है। अच्छा जी, कैथीड्रल की मल्टीपल एंट्रेंसेज हैं, वो बात है, एक ही खुली है, वहाँ पर प्राइवेट इवेंट हो रहा है, किसी की शादी खाना पाती चल रही है, तो अपने सोचा उनको डिस्टर्ब ना करें, कोई बस्ता नहीं। हम वापस चलते हैं स्क्वायर की तरफ और देखते हैं बाकी हेलसिंकी में क्या क्या ऑफर करने को है। अब देखें यहाँ पे आराम से ये कियोस्क लगा के दिए हुए लोगों को, और आराम से लोग बैठे हुए वहीं पे खा रहे हैं, कोई गंद भी नहीं हो रहा, ना ही कोई आपको बार बार आके तंग कर रहा है, चिप्स अपने ये कोई आवाज़ें नहीं लगा रहा, तो फ्रूट चाट वगैरह हर किस्म का कियोस्क मौजूद है, कुछ खाना है कुछ पीना है, इधर ही खाओ पियो, आगे जाके करना करो, ये नहीं कि फुल्ले लेके वहाँ ऊपर बैठे हुए हैं या परिंदों को खिला रहे हैं, पेट ख़राब कर रहे हैं, वो बैठे कर रहे हैं, वो कैथीड्रल ख़राब कर रहे हैं, खुदा खास्ता समझ रहे हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं। डेजिग्नेटेड चीज़ें हर जगह, आइसक्रीम वाली इधर है तो इधर ही खड़ी है, आइसक्रीम का टोकरा लेके तो वहाँ नहीं जा रहा बार बार। अच्छा, जैसे कि सेहतमंद मुल्क है, आबोहवा साफ है, खाना पीना साफ है, तो यहाँ की जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 82 साल है। यहाँ पे आपको अब जैसे बाबा सामने आ रहा है, इस तरह के बाबे बाबियाँ आपको साइकिलों पे जाते हुए नजर आएंगे भगाते हुए, क्यों खुशहाल है, हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, वही खुश है। देखिए, खुशी जो है आपकी जिंदगी में इजाफा करती है। पाकिस्तान में जो आजकल हम देख रहे हैं 40-42 पे लोगों को बेचारों को हार्ट अटैक हो रहा है, खासतौर पर मर्दों को, वर्किंग क्लास को, क्यों? काम का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, सड़क पे आ रहा स्ट्रेस, स्ट्रेस मार देता है, स्ट्रेस कैंसर देता है, ना हमारी गिजाएं अच्छी, ना हमारी सेहत अच्छी, पैदल चलो तो लौट जाओ। भाई मैं इन मुल्कों में खुदा की कसम, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं पैदल चलने आता हूँ यहाँ, मैं सिर्फ पैदल चलने आता हूँ, मैं घंटों चलता रहता हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ इंजॉय करता हूँ अपने मुल्क में नहीं कर पाता। है सेहतमंद मुल्क है, 82 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इमेजिन करें
ये जी स्टेशन के सामने हाई स्ट्रीट है, यहाँ पे काफी शॉपिंग है, ये एप्पल का स्टोर सामने है। यहाँ पे मुझे इनके ब्रांड्स बहुत ज्यादा दिखे, ये अपने ब्रांड्स को बहुत प्रमोट करते हैं। कोई लुई विटॉन, गुची, प्राडा मुझे अभी तक यहाँ नहीं दिखा। ये अपने ब्रांड, इनके ब्रांड भी उतने ही होते हैं, हल्के नहीं होते। स्टॉकमैन मॉल है, अभी मैं जरा नूडल्स खाने जा रहा हूँ, फिर वहाँ से मैं यहाँ मॉल की तरफ आता हूँ। अच्छा जी, दिन भर काफ़ी वॉक की, खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया। शाम के 8:30 बजे तो ये समंदर के सामने ये कपेली बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, तो यहाँ की फेटा स्पिनिश बड़ी फेमस है, कॉफ़ी वगैरह भी अच्छी है, ये भी हम इंजॉय करते हैं। ये खातून को क्या हो गया, नाइस। ये खाली ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रही है, तो कोई भी नहीं बैठा हुआ। खैर, तो ये वाइब है, आके चलते हैं अंदर, देखते हैं। पूरी स्ट्रीट जो है बड़े खूबसूरत है, वापसी में आपको दिखाता हूँ। रोशनी की टेंशन नहीं है, 11 बजे मगरिब होती है, तो पहला वाइब चेक करते हैं आज। अच्छा जी, ये स्प्लेनाडी है, इसके दोनों तरफ शॉपिंग है और होटल्स हैं, और बीच में जो इतना बड़ा सेंट्रल मीडियन है, ये पार्क है, और ये जहाँ जहाँ तक ये रोड जाता है, ये पार्क भी इसी तरह जाता रहता है। अमूमन रोड से दूर होते हैं पार्क, क्योंकि शोर शराब होता है, लेकिन चूंकि यहाँ हॉर्न नहीं बजते, टेढ़ी पापा नहीं होती, लोग होते हैं, लोग इंजॉय करते हैं। अभी समर टाइम है, तो यहाँ बहुत रश होता है, जिस दिन धूप निकलती है उस दिन तो भाई बहुत ही ज़्यादा सनबेजिंग होती है। यहाँ स्टूडेंट्स के ग्रुप्स आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज हैं, भाई गाने गा रहे हैं। अब जैसे जैसे शाम ढल रही है, सर्दी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर दिन में 21-22 था, रात तक ये 12-13 पे चला जाता है, तो ठंड हो जाती है। मगरिब के लिए चूंकि समर है, तो ये तो भाई इंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक वाला मॉल लगा हुआ है। यह एक्चुअली सैटरडे है, सैटरडे को इस तरह वीकेंड बनाते हैं। तकरीबन हर बेंच में, हर महफिल में शराब नोशी हो रही है, सब अपने अपनी मतलब की अल्कोहल लेकर आए हुए हैं, आवाज़ें भी आ रही हैं आपको टिन खुलते हुए, मगर कोई उल्लड़बाजी नहीं कर रहा, कोई गंद भी नहीं है, कोई शराब के नशे में उल्टियाँ पेशाब भी नहीं करता फिर रहा, कंट्रोल्ड है। ये भी फायदे के हाथ में लिए फिर रहे हैं, कंट्रोल्ड है और लिमिट में रह के करते हैं। हमारे वालों की तरह ढक्कन पी के हड़ा उड़ी गाड़ी मार दी, शोर शराब, देखिए होते हैं, उल्लड़बाजी हर जगह हो ही जाती है एक पॉइंट के बाद, मगर रिस्पॉन्सिबली काम करते हैं, जो भी शौक है चल रही है, वही सब इंजॉय कर रहे हैं। अब ये सोचा हूँ भी हमारे यहाँ जो तो ये चीज़ें इतनी खुल्लम खुल्ला कंजम्पशन तो नहीं है, और हमारे इतनी उल्लड़बाज़ी क्यों होती है? उसका कोरिलेशन शराब से नहीं, शऊर से। शऊर हमारे यहाँ है नहीं, छिछोर बना बहुत है, इसलिए उल्लड़बाज़ी हो जाती है। कोई इवेंट हो, कोई कॉन्सर्ट हो, वो हंगामों की इज्जत हो जाता है, आर्टिस्ट को बोतलें मारते हैं, जबकि यहाँ कॉन्सर्ट में सबके हाथ में बोतलें होती है, कोई कुछ नहीं मारता, तो शऊर की कमी है। हम बड़े आराम से ब्लेम करते हैं, मैं यहाँ कोई एडवोकेसी नहीं कर रहा भाई शराब की, मैं पीता भी नहीं हूँ, ना ही मैं एडवोकेसी कर रहा हूँ बुरी चीज़ है। ऑफकोर्स एक बात बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पे इसको विलन बना के ये चीज़ शराब पीते हुए, तो ये होता है, वो होता है, वो होता है, यहाँ तो सब पी रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा भाई, तो क्लेम गलत है। खैर, आते हैं दोबारा रोड की तरफ आराम से कॉबल्स फोन पे। मैंने हॉर्न नहीं सुना, 3 दिन हो गए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की तरह यहाँ भी स्टारबक्स और इस तरह की जो चेन हैं कॉफ़ी की, वो फेल है, क्योंकि यहाँ के लोग लोकल कॉफ़ी, लोकल ग्राउंडेड बीन्स प्रेफर करते हैं, और ब्रांड्स भी जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे लोकल ब्रांड ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। यहाँ पे इतना रिवाज नहीं है, शोशा नहीं है, यहाँ के लोग बड़े सिंपल होते हैं अपनी क्लोथिंग में, इतने मामला में। अरे फैंस मिल गए हमारे, चलिए जिनसे मिलता है। अच्छा जी, पीछे एक फैन मिले, इस्लामाबाद में रहते थे अपनी वालदा के साथ, वालदा को इधर बुलाया हुआ था क्योंकि उनकी ग्रेजुएशन थी बेटे की, माशाल्लाह से नोकिया में काम करते हैं, और हम आत नाम है, उन्होंने कहा भाई आप आए, नोकिया का हेड ऑफिस दिखाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सारा सब कुछ बुक है, मगर ये कि भाई ये देखने वाली जगह है, बड़ा अच्छा सीन है भाई यहाँ पे कंपनीज का फैन। हाँ जी, सो दिस इज द एंड ऑफ माय फिनिश ट्रिप, और बड़ा मजा आया। माय होस्ट हुमायूं हिरा डिड सच अ वंडरफुल जॉब टेकिंग केयर ऑफ मी एंड एवरीथिंग। एस्टोनिया में भी बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा ट्रिप रहा, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के, और आई वुड हाईली रिकमेंड आप लोग आए इस मुल्क में, चेक करें, बड़ी जबरदस्त वाइब्स हैं। समर में आए, विंटर के अपने मजे हैं, लैपलैंड वगैरह वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम चेक करेंगे, बट ऑल इन ऑल बड़ा मजा आया भाई, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग जरा आए और मुल्क को भी ज़रा अपने ट्रैवल का हिस्सा बनाए। चले जी, मिलते हैं अगली बार किसी और मुल्क से, आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं।